असलम व्ययर्स व्यूअर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दिस इज़ नो न्यू थिंग दैट द डाटा ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाउस हैज़ बिन हैक्ड बाई द सम अन नोन हैकरस और ये पाकिस्तान की तारीख में इट्स ए यूजल मैटर लाइक आप देखें कि एफ बी आर का डाटा कभी आपकी बैंक्स का डाटा यू बी एल बैंक का एच बी एल बैंक का नेशनल बैंक का डाटा उससे पहले आपका जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी थे उसके डाटे और गर्ज़ एक दफ़ा तो मुझे याद है मलक, अब्दुल मलिक रहमान मलिक साहब थे उनके दौर में जो कबीना है उसके इजलास का जो डाटा है वो चोरी हो गया और फिर उन्होंने कुछ कदगन लगाए ताकि ये पाकिस्तान का जो डाटा है ये चोरी ना हो अब के हु इज़ द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रिच और व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि ये कोई आसान फिनोमिना नहीं है ये बड़ी मुश्किल चीज़ है किसी चीज़ को हैक करना और पाकिस्तान ऑफिशल एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है इस पे इसकी बड़ी संगीन सजाएँ हैं पाकिस्तान के जो सर्विसज हैं जो जिसमें अहम ऐवा सदर है प्राइम मिनिस्टर हाउस है चीफ ऑफ आर्मी स्टार का ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर सेकट्रिएट है या इंटीरियर मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की एम्बेसिज़ हैं पाकिस्तान के कौंसलेट्स हैं इनका डाटा अगर महफूज नहीं तो आपका मेरा यूनिवर्सिटीज़ का ऑफिसर्स का सेकट्रिएट का हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का या व्हाट्स एवर एनी ऑफिस विच वी हैव टॉक्ट अबाउट एंड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द पाकिस्तान उसका डाटा किस तरह महफूज हो सकता है तो ये एक बड़ी एक दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इस पे थोड़ा सा बात कर देता हूँ कि ये ए, क्या है क्यों हुआ किसकी वजूहत क्या है पाकिस्तान चूंकि एक बड़ी जोग्राफी अहमियत की हामिल स्टेट है इस पर कुछ जो अनासर हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक पन पे पाकिस्तान ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आए कुछ लोग तो अनफॉर्चुनेटली ये भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि बलूचिस्तान जो है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा जो सिंध है वो आधा इंडिया ले जाएगा जो खालिस्तान है वो इंडियन पंजा जो इंडियन पंजाब है वो पाकिस्तानी पंजाब को वो ज़म कर लेगा और के पी के का वो कहते हैं खालि इसकी तरफ के पी के, के जो है वो अफ़गानिस्तान में जम हो जाएगा ये एक साजिशी कंस्पायरेसी थ्योरीज है लेकिन ये इसको देखें कुछ बातें होती हैं तो वो चल रही होती हैं हमें ये चाहिए कि ये कौन से नासर हैं जिनको देखा जाए कि वो इस तरह की जो कभी और इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सक्यूज में इंटरनेशनल तौर पे जो डार्क वेब है वहाँ पर इंटरनेशनल बिड्स होती हैं वहाँ पे कुछ अर्से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान के जो माइनर्स थे उस पर एक केस आया था पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट थे शायद शायद साहब शायद महमूद साहब जिन पे बैन भी लग गया जिनको अरेस्ट की कर दिया गया था उन्होंने पाकिस्तान माइनर्स के ख़िलाफ़ कहा जी बड़ी पोर मूवीज़ हैं बड़ा एक नेटवर्क है हालाँकि वो सब झूठ पर मबनी था पाकिस्तान में इस तरह का कोई नेटवर्क नहीं था लेकिन डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर तमाम जो दो नंबर दुनिया है उसका धंधा होता है उसकी बिल्डिंग होती है और हैकर्स के पास एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपकी तमाम गुफ्तु आपकी वीडियो हैक कर सकते हैं चाहे आपका मोबाइल बंद हो चाहे आपका किस तरह भी मोबाइल यूज़ ना हो आज से कुछ अर्सा पहले एक इसराइली कंपनी थी पिकासस उसके मतलब ये कहा गया था कि वो आपको व्हाट्सएप पे एक पे पैगाम भेजती है अगर आप उसको ओपन कर लेते हैं तो वो उसका सॉफ्टवेयर आपकी तमाम जो सेल है उसको हैक कर लेता है और तो आपकी तमाम जो ज़रूरी फाइलें हैं वो उनको हैक कर लेता है आपकी आवाज़ आपकी वीडियो आपका कैमरा आपकी फ़ाइलें आपके तमाम डाटा उनकी एक्सेस में आ जाता है इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम हसासदारों ने एंड्रॉयड फ़ोन को और एप्पल को अपने इंटरनल मैटर्स में बैन कर दिया था अभी भी पाकिस्तान की जो हसास अदारे हैं वहाँ पर किसी भी सूरत में एंड्रॉयड और आई जो सिस्टम है जिसको ए, कहते हैं एप्पल आई कहते हैं वो उनको उन मीटिंग्स में ले की इजाजत नहीं है अगर किसी ने यूज करना है तो वो आम जो बटनों वाला मोबाइल है जिसको कहते थे, उसको यूज किया जाता है एमरजेंसी अदरवाइज वो जो केबल वाले हैं लेकिन ये जो अभी डाटा ब्रीच हुई है ये इसकी कंस्पायरेसी थ्योरीज हैं थ्योरीज़ तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमें ये, हमें ये चाहिए हमें ये देखना है कि यह कौन है कौन बेनिफिशरी है इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी इमरान खान बेनिफिशरी है कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ बेनिफिशरी है अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि ख़ान साहब की भी आ गई है वीडियो आ गई है तो कहने का मकसद यह है, वीडियो किसी की भी है मैटर ये है कि असल जो मसाइल हैं उनसे पाकिस्तान की तोजो हटाई जा रही है असल मसाइल की तरफ उनका सलूशन नहीं ढूंढा जा रहा एक ज़मनी मसाइल में फ्रोही मसाइल में लोगों को घसीटा जा रहा है और सकूत डाका के टाइम एक मुझे बात याद आई के उधर से स्कूते डाका हो रहा सॉरी स्कूते बगदाद हो रहा था सकूते डाका ने सकूते बगदाद हो रहा था और वहाँ के लोग बहस कर रहे थे कि हमें जो है वो काला कपड़ा पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए हमारे कपड़ों का रंग काला होना चाहिए या वाइट होना चाहिए हमारे जो जूतों का रंग वो कौन सा होना चाहिए तो खुदारा हमें हमें सोलूशनस की तरफ़ आना चाहिए हमें इस तरह के फ्रोही और ज़िमनी मसायल में नहीं आना चाहिए कि कोई दूसरा मुल्क जो है वो हमें हमें तर्न वाला समझ के हमें हड़प कर जाए हमें हमारे जो सिक्योरिटी सिक्योरिटीदारे हैं उनको मज़बूत बनाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें तमाम जो सियासी जमातें हैं इलाफात अपनी जगह जैसे इंटरनेशनल लेवल पर होता है यू के में होता है कनाडा में होता है आस्ट्रेलिया में होता है लेकिन जो मुल्क की जो सलामती है उसको प्राइम जो है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़